नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से बिरोची फॉरेस्ट में मैं अपने दिल्ली ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ से सीधे लाइव हूँ। और तो इस लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान बुंदेलखंड के बहुत ही दिग्गज किसान नेता जुड़ चुके हैं। उनका मैं अपने इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा मैं उनका परिचय दूंगी। हमारे साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं बस्ती जी जी, भारतीय किसान यूनियन टिकस से मंडल अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं और किसान नेता हैं बिमल शर्मा जी, बुंदेलखंड किसान यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं अपने इस शो में तो जैसे कि पता है, मतलब कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का किया, जिसके लिए लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम आज अपने को संबोधित हुए करते हुए कहा है कि इस महीने मतलब नवंबर 2021 के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। हालांकि पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने यह कानून किसानों के फायदे के लिए लाया लाए थे, खासकर सबसे छोटे किसानों को बहुत फायदा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, जबकि कृषि अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया है। तो इतने दिनों से ये जो लड़ाई चल रही थी, और हमारे बुंदेलखंड के भी बहुत सारे किसानों ने इस लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है। मैंने उनके साथ इसी जी तरह से जूम पर लाइव किया है। जैसे हमारे बिमल शर्मा जी वहां पर मौजूद थे, और जब वो मौजूद थे तब उनके साथ भी मैंने लाइव करके बुंदेलखंड में दिखाया था कि ये देखिए, हमारे यहाँ के किसान भी इस लड़ाई में, इस आंदोलन में पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और अवस्थी जी भी और उनकी पूरी टीम, मतलब जो भी किसान, किसानों का एक बड़ा आंदोलन जो इतने दिनों से चल रहा है, उनमें पूरे देश के किसानों के साथ साथ हमारे बुंदेलखंड के किसानों की भी अहम भागीदारी रही है। तो सब किसानों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं किसान। तो हम यहाँ पर अपने बुंदेलखंड के इन दिग्गज किसान नेताओं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनको क्या लगता है कि सरकार ने जो ये प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ऐलान किया है किसानों के लिए, ये कहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून बिल है उनको वापस लिया जाएगा जब सत्र, संसद का सत्र शुरू होगा, उस पर उनकी क्या राय है? तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अवस्थी जी से कि आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? प्रधानमंत्री जी की आज जो घोषणा हुई है वो स्वागत योग्य है। वैसे तो यह निर्णय इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो निर्णय आज लिया गया है और जो घोषणा की गई है वो आगामी 5 प्रदेशों में होने वाले चुनाव को लेकर के यह निर्णय लिया गया है। और जब तक संसद में जिस तरह से कानून बने हैं और उसी तर्ज पर संसद पे कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक हमें जो है उनकी बात पर भरोसा नहीं है। क्योंकि बातें तो उन्होंने चुनाव के पूर्व भी बहुत बहुत की थी, क्या उन्होंने वादे पूरे किए? जैसे कि महंगाई को लेकर के, महंगाई आधी हो जाएगी, डीजल पेट्रोल के रेट आधे रेट पे मिलेंगे, 15-15 लाख रुपया किसानों के खातों पे आएगा,
2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, एक महीने बाद जो है 2022 लगने वाला, तो क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? किसानों की आमदनी दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन किसानों का कर्ज जरूर दुगना हो गया। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत के किसानों के ऊपर जो कर्ज था लगभग 7 लाख करोड़, और आज वही कर्जा बढ़कर के किसानों के ऊपर लगभग 14 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो कर्ज दुगना हुआ लेकिन किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। आज भी किसान अपना उत्पादन लागत से कम बेचने पर मजबूर है। अभी हमारी लड़ाई एमएसपी की है, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन आज जिस प्रकार से धान का रेट 1940 रुपया एमएसपी है, लेकिन खरीद केंद्रों पे किसान का धान नहीं बिक रहा, बिचौलिए 1200 1250 रुपए का धान खरीद रहे हैं, किसान को सीधे 700 800 रुपए कुंटल का नुकसान हो रहा है, किसान की लागत टूट रही है, किसान जो बैंक से कर्ज लेता है उसका ब्याज नहीं अदा कर पाता, इसलिए किसान आज भी जहां है वहीं खड़ा हुआ है। ना किसान की आमदनी दुगनी हुई और ना अभी अगले 10 सालों में लगता है कि दुगनी हो पाएगी। अरे किसान की आमदनी दुगनी की नहीं है तो सीधे रेट दुगने कर दो और उस एमएसपी को गारंटी दे दो कि वो किसान चाहे अपने घर पे बेचे, चाहे मार्केट में बेचे, कहीं भी बिके तो उससे नीचे ना बिके। जिस तरह से कंपनियों का एमआरपी होता है, एमआरपी से अधिक बेचना अपराध है, तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, कम से कम उससे नीचे नहीं बिकना चाहिए किसान का उत्पाद। इस चीज की घोषणा और कर दें, हम उनका स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि किसान हित में कम से कम उन्होंने सोचा। देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, हम उनका पूरा उसी तरह सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी बात का भरोसा भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी, आपकी बातों से ही आपने एक बात कही है, उन बातों को लेकर के मैं आगे जाना चाहूंगी शर्मा जी के पास। ये आपने ये बोला कि ये जो निर्णय है ना, ये बहुत पहले लेना ले लेना चाहिए था। शायद आपका ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव यूपी में भी आने वाले हैं, उसको देखते हुए शायद निर्णय क्या लिया गया, ये ऐसा बोला गया, इस पर शर्मा जी का क्या कहना, क्या राय है, वो भी मैं जानना चाहूंगी। कि ये जो कृषि कानून वापस करने का फैसला किया प्रधानमंत्री जी ने, आज घोषणा की है, ये संयुक्त किसान मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा के तहत 550 से ज्यादा पूरे देश के किसान संगठन, जिनमें बुंदेलखंड किसान यूनियन भी उस मोर्चे का एक मेंबर है, ये कोई आवाज आ रही है महुटा की समस्त ग्राम पंचायत, तो क्या है चल रहा है? देखो हेलो, आपकी आवाज आ रही है शर्मा जी, आप बोलिए, कंटिन्यू आप चलाते रहिए। जी जी जी, आप ये ईयरफोन हटा सकते हैं, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। जी जी, देखिए 750 किसानों की शहादत और लाखों किसानों का संघर्ष पूरे देश के लगातार एक साल से चल रहा है, और बहुत सारे किसानों का योगदान सामाजिक आर्थिक, और जो भी किसान इस आंदोलन में लगे रहे, ये उनके संघर्ष की जीत है, और अभी आधी जीत मैं मानता हूं इसको। तीनों कृषि बिल से किसानों को कोई फायदा नहीं,
सिर्फ आज तीन कृषि जो अधिनियम जो कानून वापस हुए हैं तीनों काले कानून, उनसे किसानों को जो नुकसान होना था काले कानूनों से, सिर्फ किसान उससे बचा है, ना तो किसान प्रॉफिट पर है और जो लाभ पर जा रहा था तीनों कृषि बिल से उस पर वो डैमेज कंट्रोल हुआ है कि किसानों को अब वो नुकसान नहीं होंगे जो तीन कृषि बिल लागू होने के बाद होने थे। अभी हमारी लड़ाई एमएसपी पर है, जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता तब तक ये लड़ाई हमारी जारी है। और आज के जो प्रधानमंत्री जी के ये फैसला है उस पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जल्द ही, और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का आगे का कदम होगा, हम लोग उस कदम के साथ में पूरी ताकत के साथ में बुंदेलखंड से भी किसान उस फैसले के साथ में रहेंगे। हाँ, एक आज खुशी जरूर हुई है कि जो किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था सत्ता के इशारे पर, जो किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा था, जो किसानों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ लगातार जो माहौल चल रहा था, जो सरकारी तंत्र का उग्रवाद चल रहा था, आज उसकी जीत हुई है। आज किसानों की बात को सही माना गया और पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि जो किसान, हिंदुस्तान के किसान जो अपनी मांगों को लेकर डटे हैं वो सही साबित हुई। और ये लड़ाई अभी जारी रहेगी जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता, क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने का, किसानों को एक निम्न स्तर से एक साधारण स्थिति तक पहुंचाने का वही एक साधन है। जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता तब तक किसानों का कोई भी हित नहीं होने वाला। ये तो तीन कृषि बिल ला करके सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का एक कानून बना दिए थे, अब हमें उस कानून को अगर सरकार वापस ले रही है तो हम जो बर्बादी एक साल पहले लाए थे उससे हम बच जाएंगे। बस सिर्फ इतना होगा, अभी किसानों को कोई फायदे वाली बात नहीं है, फायदे की बात है एमएसपी पर कानून बनाए। और संयुक्त किसान मोर्चा, मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है, पूरे किसानों को बुंदेलखंड की उम्मीद है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक ठोस फैसला लेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की जो रणनीति रही है अभी तक वो सफलता, उसको आज सफलता मिली है। संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेताओं ने, जो हमारे किसान साथियों ने, हमारे वरिष्ठ किसान नेताओं ने पूरे देश के जो रणनीति बना करके आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से चलाया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और वो 750 परिवार भी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस आंदोलन में, उनके भी जज्बे को सलाम है कि आज उनकी ताकत को पूरा किसान नमन कर रहा है। और हम इस लड़ाई में पूरी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा, जो भी निर्देश होगा, हम पूरे बुंदेलखंड में लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को फॉलो करते रहे हैं। आपको क्योंकि आपने चुनाव की बात की है तो क्या लगता है आपको कि चुनाव में चुनाव में अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं लागा आज, क्योंकि अभी बहुत से सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिससे कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और किसानों में और आम आदमी में जो आक्रोश है वो तो चुनाव में निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। रही किसान की बात, तो अभी संसद सत्र में क्या होता है ये देखने की जरूरत है, लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता तब तक किसान को कोई भला होने वाला नहीं है। और जो शासन के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, जो धरातल पर नहीं आ रही, जैसे कि अभी 2.5 वर्ष पूर्व किसान सम्मान निधि भारत सरकार के द्वारा किसानों को दी गई, लेकिन आज अगर बांदा की बात करें 40,000 से ऊपर ऐसे किसान हैं जिनका आज तक पंजीकरण नहीं हो पाया, 10,000 के लगभग ऐसे किसान हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से एक एक दो दो किस्त मिलने के बाद भी सम्मान निधि नहीं मिल रही। जितनी सम्मान निधि नहीं मिलनी उससे ज्यादा किसानों का आवागमन में और ऑफिसों के चक्कर लगाने में पैसा खर्च होता है,
अरे सीधे सीधे जो भी संशोधन और जो भी कुछ करना है सीधे जिले को क्यों नहीं दे दिया जाता कि यहाँ से जिले में नाम का संशोधन है, आधार कार्ड का संशोधन है, बैंक अकाउंट नंबर का संशोधन है, सीधे संशोधन हो और सीधे जो है अपलोड हो जाए। यहाँ से संशोधन लखनऊ जाएगा, फिर लखनऊ से दिल्ली जाएगा, और इसी चक्कर में जो है तो 2.5 साल से किसान घूम रहा है और किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो सरकार की तो ऐसी योजनाएं ही है जिससे किसान आज भी नाराज है और इसका निश्चित रूप से आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा। तो जैसे भी देख रहे हैं जनता और किसान जिस तरह से इसको देख रहे हैं, वो तो एक है ही छवि। इसको आगे लेते हुए मैं शर्मा जी के पास जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा की बात करी है, उसकी लड़ाई की बात करी है, तो उनके पास मैं जाऊंगी एक सवाल के साथ। ये कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि किसानों से धरना तुरंत समाप्त करने की अपील की। उन्होंने किसान संगठनों को यह भी सुझाव दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताएं और घर वापस लौट जाएं। इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे कि जहां पर एक तरफ ही इतनी लंबी लड़ाई और सिर्फ मतलब कुछ ही पल में ये बात आ रही है इस तरह से, आप ये इनकी बातों को किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है कि किसान वापस घर जाएंगे या आगे इस तरह से अपने आंदोलन को किसी भी तरीके से जारी रखेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री जो अनिल विज जी का आपने बयान बताया, वो तो हरियाणा की सरकार ऐसी है कि उन्होंने तो किसानों के साथ इतना जुल्म ढाया है कि किसानों के सर में लाठियां मारी हैं और किसानों की हत्यारी सरकार। तो इतना जुल्म करने वाले और किसानों के साथ इतना किसानों को इतना नृशंस तरीके से लाठी चार्ज, कई बार लाठी चार्ज हुआ हरियाणा में किसानों के ऊपर, हरियाणा में बड़े आंदोलन हुए इस दरमियान में। तो ऐसे किसान, पूरे देश का किसान पहली बार देश में इस तरह से सारे किसान संगठन एक साथ इकट्ठे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। तो अब सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है उनके साथ बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए, और केंद्र सरकार को उनके साथ एमएसपी पर वार्ता करनी चाहिए। कृषि कानून उन्होंने वापस लिए, ठीक है, उन्होंने 1 साल के संघर्ष के बाद वापस लिए, उन्होंने अपनी गलती भी मानी, प्रधानमंत्री ने इस पर माफी भी मांगी पूरे देश से, लेकिन अब उसका हल ऐसे नहीं निकल आएगा कि किसान छोड़ के बॉर्डर चल देगा। उसमें लाखों किसानों की आस्था जुड़ी हुई है, उस आंदोलन में लाखों किसानों ने, हजारों किसानों ने कुछ ना कुछ खोया है। और आज तीनों कृषि बिल वापस हुए हैं, तो इस पर जो लड़ाई है एमएसपी गारंटी कानून की, उस पर सरकार को किसान नेताओं से बात करनी चाहिए, जैसे पहले 12-13 दौर की वार्ता हुई और वो असफल हुई थी। तो सरकार को बुलाना चाहिए, संयुक्त किसान मोर्चा को आमंत्रित करना चाहिए और एमएसपी पर एक राय बनानी चाहिए, किसानों की मांग को मानना चाहिए। और ऐसे स्टेटमेंट जारी करने से इतना बड़ा संघर्ष समाप्त नहीं हो जाएगा। कोई मंत्री कह देगा कि आप लोग चले जाइए, तो वो हम लोग 750 किसानों की शहादत देकर बैठे हैं। इसलिए ये मसला इतना आसान नहीं है कि हम लोग भाग के चले आएंगे एक ऐलान पर। इस पर सरकार को किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठना पड़ेगा और किसानों को संतुष्ट करना पड़ेगा। किसानों की एमएसपी की मांग, जो बहुत जेन्यून मांग है, बहुत जायज मांग, उस पर विचार करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा, उस पर कानून बनाना पड़ेगा, तब कहीं ये मामला जाकर सुलझेगा। आज तो सिर्फ इतना हुआ है कि जो किसान कह रहे थे कि तीन कृषि बिल गलत हैं, किसानों के लिए खतरनाक हैं, किसानों की बर्बादी के कानून हैं, काले कानून हैं, आज सिर्फ प्रधानमंत्री के वापस लेने पर उस पर किसानों की राय पर पुष्टि हुई है। आज 1 साल के बाद केंद्र सरकार ने माना है, मान पाए हैं केंद्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री, जो किसान कह रहे हैं वो बात सही है। अगर किसानों की बात सही नहीं थी तो आपने 1 साल के बाद क्यों वापस की? आपकी सरकार की चोरी पकड़ी गई, सरकार की चोरी पकड़ी गई। और ये भी ना दीजिए कि मतलब कि इतने देर के बाद ये बात समझ में आ रही है, जो ये बात कही जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, ये कह रहे हैं कि
कि बहुत चुनाव नजदीक हैं। हमारे अवस्थी जी ने भी ये बात बोली कि चुनाव बहुत नजदीक हैं, शायद उसलिए भी ये उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, किसान, गांव का किसान उतना संसाधनों से जुड़ा नहीं है, मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं है, लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ है पूरे देश में 1 साल से, उस किसान का दर्द, उस किसान आंदोलन को गांव में दूर बैठा हुआ किसान भी समझ रहा है, और वो उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये सरकार किसान विरोधी है, इसने किसानों पे दमन किया है 1 साल तक, इसलिए चुनावी मूड तो बहुत खतरनाक मोड पर है, आप समझ लीजिए। और ये सरकार को भी एहसास हो गए, पंजाब में तो बिल्कुल खत्म है, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी खतरनाक स्थिति है, भले ही आज तानाशाही के दम पर वो कोई कोई भी आंदोलन होता है तो किसान नेताओं को कैद कर लेते हैं या किसानों के खिलाफ काम करते हैं, कोई अपनी बड़ी बड़ी रैलियां भी करते हैं और किसानों को छोटी सी सभा भी नहीं करने देते, तो वो तो जो पुलिस तंत्र तानाशाही राज चल रहा है उस पर भले ही दबाए जा सकते हैं, लेकिन जो लोगों के बीच में, किसानों के भीतर आक्रोश है, वो सीधे ईवीएम बटन पर जाएगा। और ये सरकार को साफ संदेशा पहुंच चुका है, उनके सर्वे, उनके इंटेलिजेंस, और मुझे लगता है उनके लोगों ने बता दिया है कि अब तो भीड़ जो लाई जा रही है रैलियों में उनकी, प्रधानमंत्री जी की भी, और वो सब लेखपाल से लेके अध्यापक से लेके और प्रधान से लेके सचिव से लेके डीएम, डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, सारे ड्यूटी पे लगे हैं भीड़ को ले जाने में। तो ये सिस्टम, उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू नहीं चल रहा, किसान बदहाल है, परेशान है, महंगाई की मार है, तो इसका फर्क चुनाव पर पड़ेगा, और किसानों के संघर्ष को जायज आज मुहर लगी है। और किसानों का अगर एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाते हैं, चुनाव में उनको भारी नुकसान होगा, और इसका खामियाजा जो किसानों ने दर्द झेला है पिछले 1 साल से, किसान परिवारों ने दर्द झेला है, किसान आंदोलन में बर्बाद हुए हैं लोगों का संघर्ष बड़ा तगड़ा रहा है, उसको सरकार को उसका पूरा जो है मूल्य चुकाना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। और किसानों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार किसान विरोधी है। आखिर आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको 1 साल कैसे लग गया किसानों को समझने में? आपकी 13-13 बार वार्ताएं किसानों से हुई, आप क्यों नहीं समझ पाए किसानों को? आज आप माफी मांग रहे हो कि हम किसानों को समझा नहीं सके, आप 13 बार में, 14 बार में वार्ता में नहीं समझा पाए, आप उसके बाद आपने वार्ता भी बंद कर दी, किसानों को बदनाम भी किया, और अब आज जब जान रहे हो आपकी चुनाव है कई राज्यों के, तब आप अचानक जो है आते हो और नोटबंदी की तरह आप फैसला लेते हो कि कृषि बिल वापस लिए जाते हैं, तो इससे किसानों को कोई खुशी नहीं है, क्योंकि 3 कृषि बिलों से सिर्फ किसानों का नुकसान हो रहा है, कोई 3 कृषि बिल वापस होने से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला, किसान 1 साल पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में आज भी, सिर्फ जो आपने किसान का घाटा कराने के लिए कानून बनाए थे उससे राहत मिली उसको आपके वापस लेने से। अभी फायदे की बात तो एमएसपी पर होगी ना, जब एमएसपी पर आप कानून बनाएंगे तब किसानों के लिए एक प्लस पॉइंट बनेगा, अभी तो जहां का तहां किसान है, संघर्ष तो किसानों ने फ्री में कर डाला 1 साल, किसानों ने अपनी बर्बादी फ्री में कर डाली 1 साल में इस सरकार के, तानाशाही सरकार के चक्कर में। मैं आपसे थोड़ा सा विनती करता हूं, अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो। नहीं, हम अब लास्ट की ओर हैं, अंतिम ओर हैं। हमारे दोनों मेहमानों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मतलब कि ये बहुत पहले आना चाहिए था निर्णय, जो इतने किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं कि किसान तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएंगे। और हमारे एक मेहमान ने तो ऐसे भी बोला है कि उनको अभी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी ये बात कही जा रही है, मतलब ऐलान किया गया है कि जब भी ये संसद सत्र शुरू होगा तब इसका औपचारिक रूप से निर्णय लिया जाएगा इसका। तो ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे बहुत सारे किसान हैं जो बुंदेलखंड से आते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, आंदोलन में संघर्ष जारी किया है। ये भी पता गया है कि जो योजनाएं हैं किसानों के लिए, उन योजनाओं को किस तरह से लागू किया जाता है, जिसका लाभ
किस तरह से मिलता है, इस पर भी हमारे अवस्थी जी ने अपने बयान किए हुए। तो आज सब दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप आ रहे हैं और जुड़े हैं और अपनी बात रखी, अपने सहमति रखी। और ये बुंदेलखंड के किसानों का एक तरह का नजरिया है, उनकी सोच है कि वो किस तरह से देखते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम आगे भी आएंगे इस आंदोलन को लेकर के, हम आगे भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, हम खबरें भी आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों ये देख लीजिए। तो इसलिए सबसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।